दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के सपोर्टर हो तो अभी नीचे जाकर भारतीय टीम के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11। पहले टी20 मुकाबले में भारत से कौन कौन सी गलतियाँ हुई वही भी बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दूसरा टी20 मुकाबला कब होगा और कितने तारीख को होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो नीचे जाकर एक लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे जाकर लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाही शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, जिसमें भारतीय टीम से एक ही बहुत बड़ी गलती हुई। विराट कोहली नंबर 4 पर आए, इसके वजह से बहुत ही बड़ी गलती हुई। अगर विराट कोहली अगर नंबर 3 पर आ जाते तो भारतीय टीम को जीत पाना बहुत ही आसान हो जाता। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले की प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हर बार की तरह नंबर 1 पर आएंगे रोहित शर्मा। दोस्तों पहले टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने बहुत कमाल नहीं कर दिखाया, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर दिखाया, लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे इकलौते बल्लेबाज हैं जब भी फॉर्म में आ जाते हैं तो दोस्तों गेंदबाजों को बहुत पीटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आएंगे रोहित शर्मा, उसके बाद आएंगे दोस्तों शिखर धवन। जी हाँ दोस्तों, पहले टी20 मुकाबले में शिखर धवन का प्रदर्शन लाजवाब रहा, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मदद की। दोस्तों तीसरे नंबर पर आएंगे विराट कोहली, अब विराट कोहली यह गलती नहीं करेंगे। दोस्तों तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे, अगर विराट कोहली पहले टी20 मुकाबले में तीसरे नंबर पर आ जाते तो शायद ही यह टी20 मुकाबला भारत जीत जाता। दोस्तों चौथे नंबर पर आएंगे केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल ने पहले टी20 मुकाबले में नंबर 3 पर आकर बहुत बड़ी गलती की और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया, जिसके बदौलत भारत को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों पाँचवें नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत, जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और पहले टी20 मुकाबले में इन्होंने बहुत सारे छक्के भी जड़े हैं। तो दोस्तों पाँचवें नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत। दोस्तों छठे नंबर पर आएंगे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने पहले टी20 मुकाबले में बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13 गेंदों में 30 रन बना दिए थे। दोस्तों सातवें नंबर पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और कृणाल पांड्या को इस दूसरे टी20 मुकाबले में बाहर कर दिया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दी कि पहले टी20 मुकाबले में कृणाल पांड्या ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी नहीं की और ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रन भी दिए। तो इसकी जगह मतलब कृणाल पांड्या की जगह युजवेंद्र चहल को लिया जा सकता है। दोस्तों आठवें नंबर पर आएंगे कुलदीप यादव, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के विकेट भी लिए और कुलदीप यादव ने कल के मतलब पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा मदद की। नौवें नंबर पर आएंगे भुवनेश्वर कुमार, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज हैं, उनका कल खास प्रदर्शन नहीं रहा, फिर भी भुवनेश्वर कुमार एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। दोस्तों दसवें नंबर पर आएंगे जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक है, उनकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी डरते हैं। और दोस्तों ग्यारहवें नंबर पर आएंगे खलील, पिछले टी20 मुकाबले में उन्होंने पहली ही गेंद पर विकेट लिया था, तो दोस्तों खलील अहमद को दूसरे टी20 मुकाबले में भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और उन्हें शामिल भी कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि 23 नवंबर 2018 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कौन जीतेगा, उस टीम का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों भारतीय टीम के फ़ैन हो तो इसका जवाब ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं।